हाँ सारे पुराने, सिर्फ मैं ही नहीं आया यहाँ। अरे देख कटाई हो रही है, आप देख रहे हैं, जब सिद्धार्थ साथ है आपके तो हम क्या बोल सकते हैं। तो ये इसका बॉस जो नहीं बनेगा, फट जाएगा पानी। एक ही सवाल, वाजवान क्यों? हमारे जेएंडके में चलता ही वाजवान ही है, वाजवान ने बनाया तो हम सेटिस्फाई नहीं होते। हमने तकरीबन एक साल पहले श्रीनगर में वाजवान बनते हुए दिखाया था और तकरीबन 6 महीने पहले श्रीनगर की शादी कवर की थी, जिसके अंदर हमने शादी का वाजवान भी दिखाया था। लेकिन इस वक्त हम जम्मू में हैं, श्रीनगर के करीब हैं, क्या यहाँ श्रीनगर जैसा वाजवान हमें मिलेगा? मैंने सिद्धार्थ से पूछा, उन्होंने कहा एक ही ऐसी जगह है जहाँ आपको वाजवान मिलेगा, मेकिंग भी मिलेगी और अच्छा जायका भी मिलेगा। बिल्लू दी हट्टी नाम है, चलकर देखते हैं। बिल्लू दी हट्टी पर चलेंगे, वाजवान की मेकिंग देखेंगे, पीछे रिश्ते कूटे जा रहे हैं, जल्दी से चलते हैं और फिर टेबल पर बैठकर जबान से पूछना है कि जायका कैसा है। आइए। अच्छा जी, नाम है सुरेश कुमार जी, बड़े सादे से आदमी है। मेरा नाम सुरेश कुमार जी, 40 साल हो गया तकरीबन। यहाँ लिखा हुआ भी है हलाल मीट यूज होता है, वहाँ पे बार बार फ्लैश भी हो रहा है। जी जी, तो ये बड़ी ही हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। अभी देख कटाई हो रही है, आप देख लो। ठीक है जी, चले जाए। थैंक यू सो मच। लड़के अभी कूट रहे हैं। जी जी जी, उनको बता, सिद्धार्थ को बता कहाँ। जी जी जी, देखिए सिद्धार्थ ने मुझे बताया कि आप शूट कर लीजिए जी, लेकिन मेरा तरीका यह है कि एक बार आपसे इजाजत लेके। नहीं नहीं, हमने क्या बोलेंगे, जब सिद्धार्थ साथ है आपके तो हम क्या बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। ये प्यार मोहब्बत जो है ना, आपको अपने गली कूचों में ही मिलेंगी, ये आपको न्यूयॉर्क लंदन में नहीं मिलेंगी। चलिए, बहरहाल सिद्धार्थ साथ हैं और सुरेश साहब की इजाजत हो चुकी है, तो पीछे चलते हैं सिद्धार्थ, जहाँ पे कुटाई हो रही है ना। अब असली मैजिक दिखाते हैं। वाह सही है, तो असली जगह चलते हैं जहाँ पे वाजवान पैदा होता है। अच्छा जी, तो जब मैं अंदर की तरफ आ रहा था तो यहाँ पहुँचने से पहले मुझे अंदाजा हो गया था, क्योंकि आवाजें आने लगी थी गोश्तावा कुटने की। ये 3 स्टेजेस पे कुटता है ये हमें मालूम है। सबसे पहले यहाँ पर ये पूरे गोश्त की कुटाई होती है, उसके बाद वो थोड़ा अगली स्टेज पर आता है, उसके बाद फिर ये लास्ट स्टेज पर आते आते इस कलर में बिल्कुल पिंक हो जाता है। अंदर खामोशी से कुछ मसाले मिला दिए जाते हैं, कुछ चर्बी मिला दी जाती है और इसको ऐसा कर दिया जाता है कि ये, अच्छा ये चर्बी कूट के रखी पहले से। तो ये सारा इसका प्रोसीजर है। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल वाणी, ये मैं कोई 22 साल से काम कर रहा हूँ इसी जगह पर। इसी जगह पर, एक ही जगह पर, क्योंकि मैं भी करता हूँ, अगर मेरे पास टाइम है दूसरे लड़के को कर। अच्छा, वैसे सारे ही लोग सब कुछ जानते हैं? सब कुछ जाते हैं। अच्छा, 3 स्टेजेस पे ही कूटता है गोश्त साहब? जी 3 स्टेज, 4 पे कूटता है, अगर बंदे जाना 4 पे कूटा जाता है, लेकिन हमारे पास बंदे कम होने की वजह से 3 पे तैयार हो जाता है। एक ही आदमी इसको ऐसा नहीं कर सकता? एक आदमी इसको क्या करता है कि कब तक एक आदमी को कूटने में बहुत टाइम लगता है। पहले फर्स्ट स्टेप हमारा वो है, फर्स्ट स्टेप पे वहाँ मीट आएगा तो थोड़ा सा तोड़ेगा वो। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप पे थोड़ा सा और थोड़ा बड़ी करेगा, फिर ये थर्ड स्टेप पे यहाँ मैं इसमें चर्बी डालूंगा, नमक मिलाऊंगा और उसके बाद के बॉल्स बनाऊंगा। अच्छा, तो अब जरा देखें, ये अभी अभी उधर से आएगा, वहाँ से सेकंड स्टेप के पास आ गया। हाँ, सेकंड से थर्ड मेरे पास पहुँच गया। ओके, अब आपने इसके अंदर अपना काम शुरू कर दिया। मैं इसमें थोड़ा सा नमक मिलाया, ठीक है ठीक, और नमक मिलाने के बाद इसमें मैं थोड़ी सी फिर ये चर्बी मिलाऊंगा। चर्बी का ये कारण रहता है कि अगर हम इसमें चर्बी नहीं मिलाएंगे ना तो ये इसका बॉल्स जो नहीं बनेगा, फट जाएगा पानी में, तो एक तो फ्लेवर चेंज हो जाएगा, दूसरा ये इसके बॉल्स अच्छी तरह बन जाएगा। ये देखिए, इसमें मैंने चर्बी डाली है, इसका अब कलर भी आस्ता चेंज हो जाएगा और इसमें थोड़ी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा ये। इसी का गुस्तावा बनेगा, इसी का रिश्ता बना दीजिए जी। यहाँ आपने कूट के इसको गोल गोल करके रख दिया, बॉल्स बना दी, ये पकेगा कब? ये सर ये अभी पक जाएगा, हम इसको पहले बॉल्स बना के जो बना है इसको थोड़ा अच्छी तरह से गोल करके पानी में बॉईल करेंगे। अच्छा, और पानी में बॉईल करने के बाद इसको ग्रेवी में डालेंगे, तो ग्रेवी हमने पहले से रेडी करके रखी होती है, पहले से इस टाइम रेडी हो रही है, बाहर हो रही है ग्रेवी। कबाबों के लिए कीमा तैयार किया जाएगा, उसके अंदर ये चिकन के कबाब बनेंगे, उसके अंदर इन्होंने मसाले मिला दिए हैं, खड़े मसाले हैं या पीसे मसाले, वो सब इसमें मिला दिए इन्होंने, ढेर सारा इसके अंदर मेथी डाल दी, अंडे डाले हुए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ रेडी हो रही हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आप जम्मू में आकर हलाल वाजवान खा सकते हैं, यहाँ पर ढेर सारे इन्होंने ये गुश्तावे बना दिए हैं। तो बिल्लू दी हट्टी पर है ये, समझ लीजिए कि इनका गुश्तावे का कारखाना है।
मैंने सर 2008 से एंट्री की है। उससे पहले से बाबूजी देखते थे? उससे पहले बाबूजी देखते थे, मैं स्टडी करता था। अच्छा, तो अब आप उनकी हेल्प के लिए यहाँ पर मौजूद रहे? जी बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात है जी। और आपके कारीगर भी बड़े पुराने हैं? हाँ, सारे पुराने, सिर्फ मैं ही नहीं आया हूँ यहाँ। इस्माइल भाई ने बताया कि 22 साल से वो यही है। 22 साल से, कोई 35 साल है, कोई 44 ईयर से है। इस तरह की पुरानी चीजें, पुराने लोग साथ जुड़े हुए हों तो बिल्लू दी हट्टी बनती है। राकेश जी से अभी बात करते हैं, हर काम को खुद अपनी नजर से देखते हैं। बस एक ही सवाल जो बार बार ध्यान में आ रहा है, वाजवान क्यों? वाजवान क्यों? वाजवान क्यों? हमारे जेएंडके में चलता ही तकरीबन वाजवान ही है, तो जब तक वाजवान ने बनाए तो हमें भी सेटिस्फाई नहीं होती। अच्छा, आप खाते हैं? हाँ खाते हैं, कब इतना नहीं, अब डेली बनाने वाला कितना खाएगा। अब वही बात है, दिल भर जाता है अपने काम से। उम्र हो गई भाई, मेरी एज से ज़्यादा तो इनको तजर्बा होगा। तो सर ग्रेवीज बनते हुए देख सकते हैं? हाँ बन रही है बात, तो चलें सर। हाँ चलो। पूरी तवज्जो और पूरे शौक से दिखा रहे हैं चीज़ों को, और ये जब ही होता है जब आपको अपने काम से प्यार हो। जी सर। ये है सर। क्या बात है, ये रिश्ता है ना? हाँ। अभी रेडी कब तक हो जाएगा सर? 15 मिनट के बाद। नहीं, सारा पूरा वाजवान पूरा 12 बजे रेडी हो जाएगा। ठीक है, पूरा ठीक है। तो हम आधे घंटे वेट करते हैं और जम्मू की आबो हवा को जीते हैं। सामने रवि भाई से भी थोड़ी बहुत गपशप कर लेंगे, उनके बिल्कुल सामने ही ये बिल्लू दी हट्टी है, और यहाँ रहेंगे, यहाँ सांसें लेंगे ताकि अंदर तक वाजवान उतरे, उसके बाद फिर इसको चखते हैं। अच्छा जी, ये क्या पक रहा है साहब? लीवर। कलेजी और कीमा भी है इसमें? हाँ जी। मटन कीमा, मटन कलेजी? मटन कलेजी, मटन कीमा। अच्छा, तो ये अभी पहले उबल रहा है, फर्स्ट बॉईल ये करा जाता है, उसके बाद ही थोड़ा हार्ड हो जाता है ना। और ये साथ में क्या चर्बी है इसके? चर्बी इसके बीच में निकल रही है। अच्छा, इसमें से ही निकलती है ये? निकल रही है चर्बी, इसको बॉईल करके ये पानी जाएगा ये बात। और ये वही कबाब का चल रहा है? ये देखिए, वाह भाई वाह, मटन रोगन जोश। जी सर, ये देखिए। और ये आ गई आपके हमारी मटन यखनी, ये देखिए। बड़े बिग पीसीस हैं ये, आ जाएंगे हमारे तबक मास। किधर गया? अच्छा, तबक मास भी इसमें मौजूद है? हाँ जी, ये देखिए। वाह भाई वाह, इसमें देखते हैं इधर क्या है भाई। इसी के बीच में गुस्तावे भी बनेंगे। अच्छा, ये आ गया हमारा चिकन करी, बड़ी रेडिश रेडिश है, सारी कश्मीरी मिर्च यूज हो रही है। जी, और देखते हैं कि इनका जम्मू का वाजवान कैसा है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन अलग होगी आज। यहाँ त्रामी सिस्टम नहीं है, यहाँ प्लेट सिस्टम है, यहाँ आपको जो चीज़ चाहिए वो इंडिविजुअली ऑर्डर हो जाती है। ताबा आ गया, यखनी आ गई, मटन रोगन जोश आ गया, रिश्ता वहाँ तैयार हो रहा है। जम्मू के अंदर वाजवान खाने का जब मौका मिला तो हम बिल्लू दी हट्टी आए। बिल्लू दी हट्टी के ऊपर हम इस वक्त वाजवान खा रहे हैं। हमने ऑर्डर किया है ये मटन रोगन जोश, साथ में हमने लिया है वाजवान की शक्ल, वाजवान की आइडेंटिटी, ये गोश्ताबा जो वाइट ग्रेवी के साथ होता है, और उसके साथ हमने ऑर्डर किया है रिश्ता। रिश्ता भी यहाँ पर आपको इंडिविजुअली लेना होगा, यहाँ हर चीज़ आपको इंडिविजुअली लेनी होती है, त्रामी सिस्टम नहीं होता है, और आपको जितना चाहिए जो चाहिए आप ले सकते हैं। साथ में ये ख़ास कश्मीरी कबाब, तो हमें देखना है कि ये श्रीनगर वाले वाजवान के कितना करीब है या कितना दूर है।
शक्ल से बहुत पुरौनक और बड़ी खुशबूदार चीज़ें मुझे सामने मिल गई हैं। खून पानी आ रहा है यार, खा कर देखते हैं। शुरुआत करेंगे मटन रोगन जोश से। वाजवान की हर चीज़ आप चावल के साथ खाते हैं, यहाँ रोटी नहीं चलती है वाजवान, लेकिन अगर फिर भी आपको रोटी लेनी है तो आपको यहाँ मिल जाएगी, आप ऑर्डर कर दीजिए। और लेकिन जो असली वाजवान है वो चावल से ही खाया जाता है। सबसे पहले रोगन जोश के साथ, क्या बात है यार, आज सिर्फ हाथ चलेगा, कोई चम्मच नहीं चलेगा। सबसे पहले इस पीस को तोड़कर देखते हैं। बिल्लू दी हट्टी पे आपको हलाल वाजवान मिलता है, ख़ास तौर से इस पॉइंट पर ये काफ़ी फेमस हैं कि इनके यहाँ ऑथेंटिक हलाल होता है और आप बेफिक्री से आकर यहाँ खा सकते हैं। खुशबू आनी शुरू हो गई है, चावल बड़ा बारीक है, जम्मू का चावल आपको बारीक मिलेगा, नरम मिलेगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। जितनी तब्दीली 360 किलोमीटर के बाद आनी चाहिए वो महसूस हो रही है, थोड़ा सा स्वीटर साइड पर है, जो एक वूडी वूडी सा फील होता है आपके श्रीनगर वाले वाजवान का, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन ये जो फ़र्क है ये बड़ा खूबसूरत सा फ़र्क है, मुझे ये खुशनुमा मालूम हो रहा है। तो इनके यहाँ अभी लंच के टाइम आपको ये रेडी मिल जाता है। अच्छा जी, गुश्ताबा ट्राई करते हैं। गुश्ताबा जो आपको श्रीनगर में मिलता है थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है, यहाँ गुश्ताबा और रिश्ता सेम साइज़ का है। श्रीनगर में आपको गुश्ताबा बड़ा साइज़ का मिलता है, रिश्ता थोड़ा छोटा साइज़ का मिलता है। वो इसलिए होता है कि गुश्ताबा में से चार पीस करके चार लोग खाते हैं। वैसे इसको रिक्वायर्ड है कि आप अच्छा जी, वाइट ग्रेवी के साथ थोड़ी सी खट्टी होती है और वही इसका असल टेस्ट है। टेस्ट करते हैं, हार्ड होता है यार ये, इसको अगर आप सही तरह से खाना चाहें तो आपको चाकू से इसके चार पीस करने होते हैं। खैर हम खाते हैं। वही ग्रेवी की एक ख़ास जो फ्लेवर होता है ना, यहाँ महसूस हो रहा है, हल्का सा खट्टा होता है लेकिन खटास, थोड़ा नमकीन, थोड़ी जम्मू की आबो हवा, थोड़ा गुश्ताबा और थोड़े आप और हम। मैं एक एक बाइट इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपके सामने इसका मज़ा पहुँचा के उसके बाद मैं इसको पूरी तरह से जी लूँ। फ़ौरन रिश्ता पे आते हैं। अच्छा, मटेरियल वाइज गुश्ताबा और रिश्ता सेम होते हैं, ग्रेवी का फ़र्क होता है और इसके अंदर जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी रेडिश होती है। एक जो डिफरेंस इसकी फिज़िकल अपेयरेंस में मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि रिश्ता की ग्रेवी थोड़ी सी, वाह, थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी है। जो ओरिजिनली मैंने श्रीनगर में खाया था उसमें रिश्ता की ग्रेवी भी बहुत पतली होती है, यहाँ थोड़ी सी गाढ़ी है। खैर बाकी चीज़ ज़बान बताएगी, आखिरी स्कैनर जो है वो ज़बान ही होता है हमारा, उसी का फ़ैसला चलता है किसी चीज़ के लिए। बिस्मिल्लाह, वही डिफरेंस है, थोड़ा सा आबो हवा का, थोड़ा सा हाथ का, थोड़ा सा 300 किलोमीटर का, लेकिन यहाँ इसका एक अलग रंग है जो आपको पसंद आएगा। आखिरी आइटम हमारी कबाब बचा है, उसको भी राइस के साथ ही खाएंगे क्योंकि यहाँ हर चीज़ को आप राइस के साथ ही खाया जाता है। और हालांकि यहाँ पर रोटी मौजूद है लेकिन क्योंकि ये वाजवान है, वाजवान चावल से समेटा जाता है, तो इसलिए हमने कहा भाई हम चावल से ही खाएँगे। बिस्मिल्लाह, इस कबाब में और श्रीनगर वाले कबाब में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस ये महसूस हुआ है कि ये थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा दिल्ली वाली साइड, यूपी वाली साइड का फील आ रहा है। जो कश्मीर में हमने श्रीनगर में कबाब खाया था वो बिल्कुल उससे अलग होता है। तो ये सारा खाना, इसका टेस्ट मैंने आपको पहुंचा दिया।